से भी कह रही, ये नहीं कि भाई अच्छी बात है झूठ बोल दे थोड़ा सा, इसकी फजीलत बयान करने में क्या, हालांकि ऐसा नहीं, लेकिन लोग जो है इबादत करने लग जाएं तो ये सारा झूठ, क्योंकि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस पे आ जाएगा कि जो मेरे बारे में झूठ बांधे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो ऐसा भी नहीं कि फजाइल के अंदर आप झूठ बोल दें, फजाइल के अंदर भी झूठ नहीं बोला जा सकता। आप चाहे वो इबादत करने के लिए किसको बुला रहे, तो आप झूठ बोलकर उसको नहीं बुला सकते। इसी तरह जो है ज़ुबान के अंदर और भी जो है कई इस्तेमाल होते हैं ज़ुबान के, जैसे बीमारी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी को तुम गाली ना दो, क्योंकि ये भी क्या होता है ज़ुबान से अमल। क्यों? क्योंकि ये बीमारी तो तुम्हारे गुनाह को माफ़ करती है, जब बीमार हो जाता है तो क्या होता है उसके गुनाह जड़ने लग जाते हैं, तो उसको बुरा भला मत कहो। और इसी तरह जो हम देखें, एक और हदीस में मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, कि एक आदमी ने कह दिया कि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला फलां बिन फलां को नहीं बख्शेगा, तो यह हदीस कुदसी है। तो फिर अल्लाह फरमाता है, फिर अल्लाह फरमाता है कि ये जो है तुमने फलां फिल फलां को ये कहा कि अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, तो कौन है जो उसने ये बात कही, तो मुझ पर फलां को ना बख्शने की कसम ये खा रहा है, तो मैंने उस फलां को तो बख्श दिया लेकिन तेरे तमाम अमाल मैंने बर्बाद कर दिया। अब ये किससे हुआ, ज़ुबान से हुआ। तो अपने हिसाब से हम नहीं कहते किसी को देखा हमने और किसी को ये करते देख लिया वो कर दिया, इसकी तो मग़फ़िरत ही नहीं है। अब उस इस हदीस पहले हदीस कुदसी है, ये सही मुस्लिम की रिवायत, कि उसमें एक शख्स अल्लाह खुद कहता है कि वो शख्स ये कह रहा है कि फला बिन फला को अल्लाह नहीं बख्शेगा, तो जाओ मैंने उस फला बिन फला को तो मैंने बख्श दिया लेकिन इसके सारे आमाल बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह की रहमत, तुम कौन होते हो, अल्लाह चाहे जिसको बख्श दे। तो ये इस तरह से किसी को फतावे देना और ये कह देना कि इसको तो हिदायत नहीं मिलना और ये तो ये फला हो जाएगा, ये तो खूब, इन चीज़ों को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़बान की इसमें हमको हिफाजत इसमें बहुत ज़रूरी है।